सबसे रखती है सरोकार। बात सबसे पहले करते हैं गहलोत सरकार की। दरअसल पूर्व की गहलोत सरकार की कई योजनाओं को प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है या फिर बंद भी कर चुकी है, जिससे विपक्ष भड़क उठा और सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें हर मंत्री के महकमे के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की विपक्ष बारीकी से पड़ताल करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे बौखलाया विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। विपक्ष ने शैडो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। जल्द नए ऊर्जावान विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों को महकमों का बंटवारा होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की निगाह होगी और जनहित के खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो उसका हर तरफ विरोध करेंगे। देखिए, हमारे शैडो कैबिनेट के अंदर हमारे जो अनुभवी विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं और युवा जो हमारे साथी हैं, उन सबको इनके विभागों की जिम्मेदारी देंगे ताकि उस विभाग के अंदर जनता के हित की कौन सी योजनाएं हो रही हैं और जनता के हित की कौन सी योजनाएं जिसको बंद करना चाह रहे हैं, वो सारे मुद्दे वो निकाल के लेके आएंगे और उनको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आखिर विपक्ष क्यों हुआ शैडो कैबिनेट बनाने पर मजबूर? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है तो कईयों पर तलवार लटका दी है। इसमें नए बनाए गए जिले, अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलें, गहलोत राज में खोले गए कॉलेज, आवास से जुड़े पट्टों के मामले, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट, स्मार्टफोन योजना जैसी कई स्कीमें हैं जो सरकार को रास नहीं आई। विपक्ष सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों और महात्मा गांधी प्रेरकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से सरकार के खिलाफ आग बबूला है। ऐसे में शैडो कैबिनेट बनाकर वो सरकार के फैसले की बारीकी से पड़ताल करना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव रहे, पर शैडो कैबिनेट के विपक्ष के फैसले को सरकार ने बेकार की कवायद करार दिया है। शैडो कैबिनेट वो बना के जनता के हित में या व्यवधान करने, इसमें फर्क है। मात्र व्यवधान करना, विधानसभा को नहीं चलाना, अनगत बातें करना, मीडिया में सुर्खियां बनना, ये अलग विषय है। और जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए मुद्दों को लेकर आना अलग विषय है। अगर जनता के हित के, जनता के मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे वो विकास से संबंधित हो और किसी संबंधित हो, उसका हम पूर्ण जोर जवाब देंगे। और शैडो कैबिनेट कहने कहने अभी बने नहीं, मुझे लगता है कि उनका आपस में भी अभी, इसलिए अगर वो चाहते हैं कि वो अपने पाप छुपाने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए तो ये उनकी जो मंशा है वो किसी भी सूरत में पूरी नहीं होगी। हम जैसे जैसे उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, हम उन सबका वैसे वैसे इलाज करते जा रहे हैं। इसलिए वो लाख प्रयास कर ले, हमारे काम में उनको कहीं कोई कमी खामी नहीं मिलेगी और उनकी जो कमी खामियां थी, हम उनको हर हाल में किसी भी रूप में दुरुस्त करके बख्शने में। बहरहाल ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट सियासत का एक सफल प्रयोग है जो सत्ता पक्ष पर न केवल विपक्ष का अंकुश रखता है बल्कि सरकारों की मनमर्जी को भी काफी हद तक रोक पाने में कामयाब है। देश में कई राज्यों में शैडो सरकार बनती है पर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो धारदार रुख नहीं कर पाती जिसकी असल में दरकार है। देखना है कि विपक्ष की एक कोशिश सरकार को उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में किस तरह सफल होती है या इसका हश्र भी अब तक की शैडो कैबिनेट जैसा होता है। सूबे की सियासत में शैडो कैबिनेट का प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए इस तरह के फैसले करता रहा है। अगर शैडो कैबिनेट जल्द अस्तित्व में आती है तो सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं चूकेगा और सरकार के हर फैसले को जनता के बीच में ले जाकर सरकार विरोधी माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। इस मुद्दे पर पक्ष और प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में आमने सामने भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एसएमएस प्लाज्मा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें चार
चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही 6 कार्मिकों पर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया है। डॉक्टर राजीव अगरहट्टा और अचल शर्मा को भी नोटिस मिलने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से एसएमएस प्लाजा मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और 4 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। हमारे संवाददाता सौरभ ग्रस्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो बड़ा चौंकाने वाला मामला इस लिहाज से था क्योंकि एसएमएस अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा जो है वो खराब हो गया था, और चूंकि प्लाज्मा जो है वो हर साल जो है वो बिक्री होती है उसकी, लेकिन एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में एक बाथरूम में जो है वो प्लाज्मा मिला था, जिसके बाद ये पूरे मामले की जांच जो है वो की गई और अब नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। और बड़े नाम इसलिए आज से एसएमएस के जो पूर्व प्राचार्य है राजीव अगरहट्टा और अधीक्षक अचल शर्मा को नोटिस जारी करने के साथ ही जो भी अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें जो है वो नोटिस जारी किए गए। लेकिन जो कार्रवाई, अब चूंकि ये जांच में कुछ लोग जो है वो दोषी पाए गए हैं, इस लिहाज से उन पर कार्रवाई के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और क्योंकि अब ये जो जांच की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उन पर किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो होती ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से ये कार्रवाई के निर्देश जो है वो तमाम इन अधिकारियों के खिलाफ दे दिए गए हैं। और जिनको नोटिस जारी किया गया उन्हें 7 दिन में अपना जवाब पेश करने के भी निर्देश दिए गए। तो ये बड़ा मामला इसलिए ऐसे था क्योंकि कुछ दिनों पहले जेकेलोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया था और उसके बाद एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा खराब होने का मामला, तो इस पर जो है वो कई सारे तो सवाल। सौरभ, ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ झाला है या फिर ये सिर्फ लापरवाही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झुंझुनू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को एक विदेशी महिला का बेटा बताया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता है और हो भी ऐसा ही रहा है। राहुल गांधी लगातार देश और देशवासियों के खिलाफ बोल रहे हैं। देश के लोगों को हिंसक और झूठा कहना हिंदुस्तान और हिंदुओं का अपमान है। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता है। और अब बात सतीश पुनिया की करते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी की वापसी करानी है, सरकार एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी बनाएगी। कहा कि भले ही लोकसभा में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाएगी। के वरिष्ठ नेता व हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया आज बाड़मेर दौरे पर है और आज यहां पर इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से और जनसुनवाई भी की है। इसके साथ ही यहां पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ में हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद में बाड़मेर पहली बार आए। सर, पहले तो आपको बधाई, और किस तरीके से देखते हैं हरियाणा को? हरियाणा किसानों की, वीर जवानों की भूमि है और स्वाभिमानी धरती है। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के जनमानस ने राष्ट्रवाद के विचार को अपनाया, स्वीकार किया। हालांकि हरियाणा परंपरागत रूप से गैर कांग्रेसी फितरत का रहा है और इस लिहाज से कभी चौधरी देवीलाल जी, कभी अलायंस, कभी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देते रहे। जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता होगा, देश का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन राहुल गांधी परिपक्व नहीं हुए, वरना कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जिस पार्टी ने 70 वर्षों में 55 साल राज किया, जो 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी पार्टी है,
उसका नेतृत्व आज जिस तरीके से दिशाहीन है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के बयान में कोई दम है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजपुरोहित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में राजपुरोहित समाज के हॉस्टल का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य निर्माण को लेकर बेहद संवेदनशील है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में आत्मनिर्भरता के साथ बदलाव और विकास की शुरुआत होती है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने की शुरुआत की थी, जिसे हम सभी को आगे बढ़ाना है। समाज के बंधु आते हैं और जिस तरह का मैं उनका मन और भाव देखता हूँ, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है। उन्होंने अपनी इस राजस्थान की धरती से, इस राजस्थान की मिट्टी से जाकर के पूरे देश के अंदर में जो खुशबू फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं मानी हमारे खेताराम जी महाराज जी के जो उनका आदेश और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से जो हमें मिला है, वो पूरे देश के अंदर हम उस खुशबू को फैला रहे हैं। और अब बात नए कानूनों की करते हैं। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर जब आ जाए, उन्होंने नए कानूनों को लेकर कहा कि 3 संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है 0 FIR, एक है कम्युनिटी सर्विस जो पहले से ही समाज में था, अब हमने इसे लीगल फ्रेम में किया है। इसकी सब तारीफ भी कर रहे हैं। 0 FIR से कोई भी व्यक्ति घर बैठे FIR दर्ज करवा सकता है। साथ ही कहा कि तीनों कानून लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कानून हैं। जेल में बैठे कैदियों को भी अब जल्द फैसले की जानकारी ई कोर्ट पोर्टल से मिल पाएगी। इस काल परिस्थिति के अनुसार इसके 3-4 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है 0 FIR, एक है कम्युनिटी सर्विस। हम अभी बीकानेर में आपसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में पहले से ही था, इसने छोटा दंड किया है भाई, इसको तालाब साफ करने का दंड दे दो, तो ये इसको हमने इसमें लीगल फ्रेम में डाल दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो लोग कह रहे हैं बहुत, जुडिशरी तो इसकी तारीफ कर रही है कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, 0 FIR में जब कोई एरिया डिसाइड नहीं होता था, आदमी इधर से उधर पिलर टू पिलर दौड़ता ही रहता था, कौन सा एरिया है, कहाँ दर्ज कराऊं। रेलवे में कई बार चोरी हो जाती थी तो कहते थे GRP करेगी, कोई कहता RPF करेगी, कोई पूछता था आपकी चोरी कब हुई थी, तो वो कहें हम तो नींद में थे या नींद में थी। तो ये जब चीजें प्रॉब्लम आई सामने, तब पता चला कि 0 FIR ही इसका एक हल है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में सवालों के जवाब फाइल करने में ब्यूरोक्रेट्स की देरी या फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अपने कोटा प्रवास के दौरान देवनानी ने पत्रकारों से बात की। देवनानी ने इस दौरान आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी बात की। कहा बजट सत्र अगले हफ्ते से शुरू होगा और सदन में बजट पेश होने के अलावा बजट पर चर्चा होने के बाद लेखा अनुदान मांगे भी जुलाई महीने में ही पारित करने की पूरी तैयारी की गई है। 10 जुलाई को बजट प्रस्तुत होगा और लगभग उसके मई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ये चलने वाला है। तो एक प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि उससे प्रदेश को आगामी वर्ष का आय व्यय का सारा विवरण भी उसको प्राप्त हो सकेगा। कुछ डिमांड से बहस भी होती है, वह भी होगी और अप्रोप्रिएशन बिल भी आएगा और बजट पे 3-4 दिन बहस भी चलेगी। उसके कारण से सारे जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की अपनी बात रखने का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में आने वाले आगामी बजट को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं। कामकाजी महिलाएं हो या फिर ग्रामीण महिला हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट्स हो, आखिर बजट से वो क्या उम्मीद कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार को महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला रोजगार के क्षेत्र में नई स्कीम्स लानी चाहिए, जिससे कि महिला और सशक्त बन सके। साथ ही महिलाओं का ये भी कहना है कि इस बार बजट से उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी बजट पेश करने जा रही हैं।
प्रदेश में आने वाले आगामी बजट को लेकर सरकार की ओर से तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी और आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं आखिर सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है, उनसे हम जानेंगे। प्रदेश की महिलाओं के साथ मैं मौजूद हूँ, जिसमें मेरे साथ कामकाजी महिलाएं और गृहणियां और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है। मैम से हम जानेंगे, सबसे पहले मैम, बजट आने वाला है 10 तारीख को, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? देखिए, उम्मीदें बहुत सारी है। सुश्री दिया कुमारी जी जो कि हमारे बजट पेश करेंगे 10 तारीख को, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें बनती है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि देखिए, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण, इन चारों पे वर्क किया जाए। जहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, तो बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वे आगे शिक्षा को आगे बढ़ा पाएँ, उच्च शिक्षा में उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उसके बाद में सुरक्षा की बात आती है, तो अभी जिस तरह से दुर्घटनाएँ, घटनाएँ और ऐसी चीज़ें हो रही है महिलाओं के साथ में, तो उनकी सुरक्षा को और अधिक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि घरेलू महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी उसके पैसे बचते हैं ताकि वो और जगह खर्च कर सके और अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके वेलबिंग पे, सब पे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे उसको, ताकि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस, स्विमिंग वगैरह जो भी सिखा सकते हैं वो सब कर सके। जी बिल्कुल, मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे लगता है कि जॉब हर लड़की को करनी चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, हमारे घर में लड़कियां बैठे हैं। मैं ये मानती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ एक पैसों से नहीं होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी हो जाती है एक उम्र के बाद, और उसमें जब आपकी जेब में खुद के पैसा होता है ना, चाहे आपके परिवार में कितना भी हो, तो उससे आप अपने परिवार के लिए भी कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है आप खुद एक नज़र उठा के चीज़ों से अपने घर में रह सकते हो, सबसे ज़्यादा इज्जत पा सकते हो। एक सास बहू के जो झगड़े होते हैं घर में, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो पैसों की वजह से ही होती है सबसे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि एक लड़की अगर शादी करके, जब चाहे उसके घर में कितना ही पैसा हो, उसको काम करना चाहिए। बात ओम बिरला की करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत आनंदपुरा के लवकुश वाटिका में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की, कहा पर्यावरण के अनुकूलता के लिए हमें जीवन शैली को बदलने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसकी पालना करने और इसे जन आंदोलन बनाने की अपील भी की। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं, धरती माँ को पूजें, पेड़ों की पूजा हम करते हैं, ये संस्कार संस्कृति आने वाली पीढ़ी को जाना चाहिए। अच्छे कामों के लिए सभी माननीय सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में हरा भरा शहर। लव कुश वाटिका के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के सभी वर्गों के यहाँ पर आएँ, एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं, और जब तक वो पेड़ पड़ा ना हो जाए, जब तक वो संरक्षण करें, पाले पोसे जैसे माँ एक बेटे को पालती पोसे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजीव दत्ता ओम बिरला के ओएसडी बने हैं। आरपीएस राजीव दत्ता ओम बिरला के ओएसडी बनाए गए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी है राजीव दत्ता। लोकसभा सेक्रेटरियट से नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं ओम बिरला से जुड़ी हुई, ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को नियुक्त किया गया है। आरपीएस राजीव दत्ता ओम बिरला के ओएसडी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं राजीव दत्ता, जिनके कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं, उनके ओएसडी आरपीएस राजीव दत्ता को बनाया गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जारी नियुक्ति पत्र में यह जानकारी दी गई है। राजधानी जयपुर के जगतपुरा में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने 3 स्टूडेंट्स का किडनैप कर लिया। ये वारदात शनिवार रात करीब 11 बजे रामनगरिया थाना इलाके में लोटस विला के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी करवाई, 2 बदमाशों को धर दबोचा भी गया। जानकारी के मुताबिक किडनैप्ड आरोप जो तरुण था, हर्ष और हिमांशु जयपुर के मालवीय नगर में रहते हैं। तीनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं। शनिवार रात को तीनों युवक कार से जगतपुरा की तरफ जा रहे थे कि तभी लोटस विला के सामने पीछा करते हुए 2 कारों में आए 7 से 8 बदमाशों ने स्टूडेंट्स की कार को रुकवाया। डंडे और हथियारों से लैस बदमाशों ने स्टूडेंट्स की कार में तोड़फोड़ की और फिर
कार को घेर कर तीनों स्टूडेंट्स को किडनैप कर अपनी गाड़ी में पटक दिया, जबकि चौथा साथी यश भागने में कामयाब रहा। तो फिल्मी स्टाइल में किस तरह की किडनैपिंग हुई है आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जिनकी किडनैपिंग की। दो कारों में बदमाश भर के आए थे, 7 से 8 इनकी संख्या थी। और देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स को किडनैप करते हैं और दूसरी कार में पटक देकर चले जाते हैं। अलवर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। स्कूल में हंगामा करने वाली शिक्षिका ममता को डीईओ नेकीराम ने निलंबित कर दिया है। शिक्षिका पर साथी स्टाफ को धमकाने के आरोप हैं। वहीं सरपंच और हेडमास्टर के साथ भी अभद्रता के आरोप लगे हैं। टीचर के अभद्र व्यवहार के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर तालेबंदी कर शिक्षिका को हटाने की मांग की थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन आरोपी शिक्षिका के खिलाफ हुआ है। सरपंच और हेडमास्टर के साथ अभद्रता करने वाले साथी, स्टाफ के साथ धमकाने वाली आरोपी शिक्षिका को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। ये बड़ा एक्शन तब हुआ जब ग्रामीणों ने शिक्षिका के खिलाफ लामबंद होते हुए स्कूल में तालेबंदी करते हुए एक्शन की मांग की थी। और ये खबर जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई, उसका असर ये हुआ है कि आखिरकार आरोपी शिक्षिका के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी संचालक जोगेंद्र सिंह केस दर्ज होने पर थाईलैंड चला गया था। एसओजी जोगेंद्र सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में थी कि तभी जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने की खबर मिली। इस दौरान एसओजी ने उसे पकड़ लिया। 10 अप्रैल को 4 दलाल एसओजी की गिरफ्त में आए थे, तब जोगेंद्र सिंह के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ। एसओजी ने डिकॉय ऑपरेशन में बोगस अभ्यर्थी बनकर संपर्क किया था। दलालों ने सनराइज और ओपीजेएस से डिग्री दिलाने के एवज में रुपए मांगे थे। एक फर्जी डिग्री पर दलाल को 50,000 रुपए का कमीशन मिलता था। तो 2015 से लेकर 2016 से इसको मान्यता मिली, तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। जो राजस्थान सरकार के बीपीएड के नॉर्म हैं कि भाई एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, काउंसलिंग होगी और उसके पश्चात एडमिशन बीपीएड में होगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्लाउट किया है। डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं, कई एडमिशन इन्होंने बैकडेटेड दिए हैं। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक मामले की जांच एसओजी ने बांसवाड़ा पुलिस से ले ली है। शनिवार को टीम ने सुबह इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में ली। एसओजी ने इस मामले में डिटेन किए गए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। एसओजी डीएसपी बाबूलाल मुरारिया ने बताया कि 28 जून को प्रवीण मालवीय और उसकी पत्नी सविता डोडियार को बांसवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 30 जून तक कुल 11 आरोपी पकड़े गए, पूछताछ की गई। नवंबर 2022 में हुई वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ था। अब ये बात कोर्ट में भी प्रमाणित हो गई है। साथ ही पुलिस ने 7 अभ्यर्थी सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को एडीजे कोर्ट में पेश कर 10 दिन का पुलिस ने रिमांड मांगा। ऐसे में कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। आरोपियों ने बड़ी बात यह है कि पेपर लीक होना कबूल भी कर लिया है। 2022 में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, उसमें मामला सामने आया कि वह राजतलाब थाना एरिया में एक घर में पेपर से कुछ घंटे पहले पढ़ाया गया था। उसी को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 2 टीचर हैं व 6 फॉरेस्ट गार्ड हैं। आगे कार्रवाई जारी है और इससे एक से एक लिंक जोड़ते हुए जो पीछे के जो मुख्य आरोपी हैं और उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब खबर शातिर बाइक चोर की। दौसा की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिंकू मीणा निवासी मटवास को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ बाइक और दूसरी चोरी के करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी इतना शातिर है कि वो चोरी के मामले में जेल में बंद था और 4 जून को ही जमानत पर जब बाहर आया, जेल से बाहर निकलते ही
आरोपी ने एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। दौसा शहर से 3 मोटरसाइकिल चुरा ली गई। आरोपी रिंकू मीणा दौसा जिले के अलावा जयपुर शहर को भी चोरी की वारदात के लिए हमेशा इस्तेमाल करता आया। रिंकू नाम का चोर है, मटवास गांव का रहने वाला है और मोटरसाइकिल से तन्य चोरी के 27 प्रकरण पहले से इसके दर्ज है। हाल ही में 4 जून को ये जेल से रिहा हुआ है और उसके बाद में शहर दौसा से है। रेडी से चिल्की का बास तक नई सड़क बनाने के दौरान ठेकेदार ने पानी की निकासी के लिए पाइप नहीं डाले और यही वजह रही कि दूसरे गांव का पानी भी रुक गया। पानी भरने से ग्रामीण अब परेशान है, हर तरफ पानी ही पानी लोगों को नजर आ रहा है, पशुओं के बांधने के लिए जगह तक नहीं बची है। ग्रामीणों का आरोप है कि नई सड़क निर्माण में ठेकेदार ने पानी की निकासी नहीं की, पाइप नहीं लगाए, यही वजह है कि पानी अब उनके इलाकों में जमा हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन अगर निकासी के इंतजाम नहीं करता है तो फिर वो सड़क को काटकर ही पानी को निकालेंगे। रैणी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो पानी इसमें भर गया है सड़क में, इसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है और ये इस पानी को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाएगा जिससे ये भराव क्षेत्र में जो पानी भरा है वो सब निकल जाएगा। उधर करौली जिले में लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव होने से लोग परेशान हैं। रविवार तड़के हुई तेज बारिश के चलते लांगरा क्षेत्र के बुगदार सहित अन्य गांव में सड़क मार्ग सहित कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए। आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या कई सालों से बनी हुई है। पंचायत प्रशासन जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की गई लेकिन अब तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ। ये ग्राम पंचायत बुगड़ार के अंदर रास्ता में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है पुलिया निर्माण होने चाहिए थे, ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आने जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कई सालों से चल रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर समय जब बरसात आती है तो लोगों के लिए आने जाने में परेशानी आती है और कोई डिलीवरी विलीवरी हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है, रास्ता जाम हो जाता है बरसातों के टाइम में। उधर गुरुवार को आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक ली थी। ताजा हालात को लेकर फिर से समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। भारी बारिश के मद्देनजर नगर निगम आयुक्त और सभी संभागीय आयुक्त और साथ ही कलेक्टर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वो अलर्ट मोड पर रहें और भारी बारिश से हालात जो बनते हैं उन्हें काबू पाने के लिए कार्रवाई करें। सीएस ने आपको बता दें कि बारिश मामले में निर्देश दिए थे कि सभी संबंधित विभाग आपदा के समय कोई जनहानि नहीं हो इसके लिए पहले से ही तैयारी पूरी करें, तमाम जो विंग है वो मुस्तैद रहें, सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर रखें और स्थिति पर नजर बनाए। फील्ड ऑफिसर को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के एक बार हिल स्टेशन माउंट आबू में हल्की बारिश के बाद मौसम बेहद सुहाना हो गया है। सुहावने मौसम का मजा लेने के लिए और माउंट आबू की खूबसूरत नजारों को निहारने के लिए गुजरात के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। नक्की लेक पर नौकायन का मजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही दिलवाड़ा जैन मंदिर, आधर देवी गुरु शिखर, अचलगढ़ जैसे धार्मिक स्थलों पर, साथ ही ट्रेवल टैंक और हनीमून पॉइंट्स के साथ चौड़ॉयक जैसे पर्यटक स्थलों पर भी जमकर सैलानी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। स्थानीय कारोबारी काफी खुश हैं। खबर कोटा से है जहां पर एमबीएस अस्पताल में मरीजों को सिटी स्कैन की सुविधा नहीं मिल पा रही। सिटी स्कैन के लिए मरीजों को करीब 12 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज में भटकना पड़ रहा है। हर दिन करीब 1.5 दर्जन मरीज एमबीएस अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए आता है लेकिन अब वहां पर जब इस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही तो खुद पैसा खर्च करके निजी लैब में जाने के लिए वो मजबूर है। अभी तो डॉक्टर साहब बताएंगे सिटी स्कैन कराएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे सिटी स्कैन कराएंगे। हाँ सिटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बंद हो रही सर, बंद हो रही है। हाँ परेशानी तो रहती है, क्या करें आप पास में होता है तो थोड़ी सुविधा मिल जाती है, क्या ही हुई है।
वहाँ आदमी परेशान होता यहाँ पे शुरू होने सर। जोधपुर शहर के सांगरिया बाईपास पर शराब की दुकान खोलने का लोगों ने जमकर विरोध किया है। शराब की दुकान बंद करवाने की मांग को लेकर आसपास के लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि यहां पर शराब दुकान खोलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहेगा, रात के समय महिलाओं के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शन की सूचना पर बासनी पुलिस और आबकारी विभाग मौके पर पहुंचा। लोगों को ठेका नहीं खोलने का आश्वासन दिया गया है। મારા અટકને અહીંયા સ્કૂલ બાયપાસ માથે મોર દારૂ ઠેકો નહીં લગાવું દો, બંધ કરો એને કોલોની સબ અટે મેન ચોરા મારા દારૂ ઠેકો નહીં લગાવું દો, બાલાજી મિંદર હે મોર અટે મોર દારૂ ઠેકો નહીં લગાવું દો, દારૂ ઠેકો બંધ કરો। और अब आपको ले चलते हैं राजसमंद, जहां पर रेल मगरा कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान पे चोरों ने चूना लगा दिया। दुकान का शटर तोड़कर 6 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवरात लेकर भाग निकले। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब चोरों की तलाश शुरू कर चुकी है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और सांसद राव राजेंद्र सिंह पावदा कस्बे पहुंचे। राजपूत समाज के अभिनंदन समारोह में मंत्री और सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राठौर ने समाज को संगठित रहने की बात कही, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। मंत्री राठौर ने कहा कि राजस्थान को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने को लेकर हर संभव कोशिशें की जाएंगी। है तानाशाही रहती है, आपके अलग अलग जो फीस हैं, अलग अलग जो है वो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, इन सब को हम खत्म करने वाले हैं। एक ऑनलाइन सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, एक मोबाइल ऐप जल्द शुरू होगी जिसके अंदर हर व्यक्ति जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है या जिसने इंडस्ट्री लगाई भी है, सारा काम वो अपने मोबाइल ऐप से कर पाएगा, किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डूंगरपुर के एक निजी स्कूल में विप्र फाउंडेशन का सम्मेलन हुआ। इस दौरान ब्राह्मण समाज के साथ ही सर्व समाज के हित में अगले साल किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की गई। वहीं विप्र फाउंडेशन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी करवाने, गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग समेत तमाम सामाजिक कार्य करने का फैसला लिया है। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। उनका रुकना प्लस खाना फाउंडेशन की तरफ से रहेगा। हमारा जिले में ये प्रोजेक्ट है कि सबसे पहले तो जो 2.5-3 लाख सालाना जिनकी इनकम है उन बेटियों की शादी विप्र फाउंडेशन के पैसे से हो और इस फाउंडेशन के सहयोग से। जिन एजुकेशन में जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, विशेष करके गाँवों में और टाउन में कस्बों में। टोंक नगर परिषद इलाके के वजीरपुरा गांव में पानी भर गया, जिससे परेशान महिलाओं और बच्चों ने रात भर जाग कर प्रदर्शन किया। रात भर शिकायतों के बाद मदद जब नहीं पहुंची तो महिला और बच्चों के साथ ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और पानी की निकासी की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि नाला नहीं बनने से जल भराव के हालात बन गए हैं। नगर परिषद उपसभापति बजरंग लाल वर्मा खुद फरियादी की मुद्रा में लोगों के साथ खड़े नजर आए। कलेक्ट्रेट में एसडीएम राहुल सैनी और तहसीलदार रामधन गुर्जर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और जल्द निकासी का आश्वासन दिया है। जिले में बरसात के बाद टोंक शहर के पास ही वजीरपुरा गांव है, वहां पूरा गांव है वो जलमग्न है। वजह यह है अतिक्रमण और नाले नहीं बनना। रात भर से लोग हैं वो पानी में खड़े रहे, महिलाएं और बच्चे हैं वो अब जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं पानी निकालने की। कुछ लोग हैं उनकी नाराजगी है वो नगर परिषद को लेकर के स्पष्ट देखी जा रही है। भ्रष्टाचार और नाले नहीं बनने की वजह से गांव में पानी भरा है। कुछ लोग है बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? रोड में नाला नहीं बनाया, पुलिया 4 पुलिया जी, मुझे 2 पुलिया बनाई, वो भी ऊपर बना दिया, जहाँ पानी का भराव है वहाँ बंद कर दिया। आप तो ग्रामीण है, वही रहते हैं, क्यों नहीं बनने दिया आपने नाला? वाले नहीं बनने दिया, 3-4 आदमियों ने रिकॉर्डेड में क्यों नहीं बनने दिया, ठेकेदार ने क्यों नहीं बनाया? गवर्नमेंट 1 करोड़ 56 लाख
बर्बाद हो गए पैसे सरकार आप, की। आप तो गांव में रहते हैं, ऐसी हालात आज जब बनी है, जब नाला नहीं बनने दिया जा रहा तो आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? ठेकेदार घर जाइए, इनके खूब समझाए थे, नहीं बनाए उन्होंने, बनाएंगे बनाएंगे करोगे आप, चल दिए। देखिए लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह लोगों को आज मजबूरन जिला कलेक्ट्रेट पर आना पड़ रहा है और पानी की जो अब बात भगवान जगन्नाथ यात्रा की करते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर से जुड़ी कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आई हैं, देखिए चार तस्वीरें कोटपुतली, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा की हैं। इन रथ यात्राओं में भारी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ओडिशा के पुरी में तो जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज जगन्नाथ में आस्था दिखाते हुए यात्रा निकाली जाती है। चार तस्वीरें कोटपुतली, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा की, जहां पर देखिए किस तरीके से राजस्थान में जगह जगह जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली गई उस दौरान सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अलवर में भगवान जगन्नाथ माता जानकी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जगन्नाथ मेले को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद तैयारी में जुटा हुआ है। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की दोज पूजन का कार्यक्रम आज हुआ। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 11 पंडित द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का मंत्रोद्वार जाप किया गया है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को घी, भूरा, केसर, शहद और गंगा जल से स्नान कराया गया। भगवान जगन्नाथ जी को दुबई से जो पोशाक बनकर आई वो पहनाई गई और उसके बाद पंडितों द्वारा जप करके भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधे गए। पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधे गए, जो कि कंगन डोरे बांधने के बाद पूरे अलवर के अलावा राजस्थान और भारतवर्ष से जिन बच्चों की शादियां नहीं होती या जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आके सुबह से ही, जब से भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है और वह सब अपनी मन्नत के लिए नारियल बांध के जा रहे हैं। और इस खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।